नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में जानते हैं और पेंट पे किस तरीका से हमें ड्राइंग बनाना चाहिए, कलर कैसे करना चाहिए और पिक्चर्स को हम एडिट कैसे करेंगे, ये चीज़ के बारे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जाते हैं टूल्स में। तो टूल्स में यहाँ पे जो है 6 टूल्स दिया हुआ है, जो कि पेंसिल है, फिल कलर है, या इसको कैन कलर भी किसी किसी जगह पे बोला जाता है, और ये जो है आपका टेक्स्ट है। अगर हमको पिक्चर्स में टेक्स्ट ऐड करना है तो ये जो है इरेजर है, आपको इरेज करना है पिक्चर का कोई भी एक पार्ट को या बैकग्राउंड को तो आप इरेज कर सकते हो। ये जो पिक कलर है, कोई भी कलर कहीं से पिक करना है, जो आपको ये कलर बॉक्स में जो कलर ना मिले, अगर आपको कलर पिक करना पड़े तो आप पिक कर सकते हो। और ये जो है मैग्निफायर है। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीका से हम ये सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो पेंसिल को यूज करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे, अब मान लीजिए कि पेंसिल का जो है हमको और बोल्ड और मोटा करना है, तो मैं यहाँ से पेंसिल को मोटा कर सकता हूँ इस तरीका से। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो मैं कंट्रोल और प्लस को मैं प्रेस करूँगा, और कंट्रोल और प्लस प्रेस करके इस तरीका से मैं इसको मोटा कर सकता हूँ, या तो इसको कंट्रोल माइनस प्रेस करके मैं इसको पतला भी कर सकता हूँ। तो इस तरीका से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए अभी इरेजर से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, इरेजर को बड़ा कर लेता हूँ, ये मैक्सिमम साइज पे बड़ा हो गया, उसका इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे है, उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे शेप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शेप्स दिया गया है, ब्रशेस दिया गया है, तो शेप्स के सर्किल से मैं यहाँ पे सन बनाने का कोशिश करता हूँ, सन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। और अब जो है फिल कलर, जो है फिल कलर के लिए एक चीज ध्यान रखिए, कहीं पे कोई आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, मतलब खुला नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे खुला है और मैं कोई भी कलर अगर पुट करता हूँ तो ये कलर जो है पूरे स्क्रीन में स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल जेड से मैंने फिर से सर्किल को रिपेयर कर लिया, तो अगर अब अभी मैं इसको देता हूं तो ये जस्ट इस एरिया तक ही रह जाता है, जहां तक उसका लॉक्ड एरिया है। तो ये जो है उसका यहाँ पे जो है टेक्स्ट आता है, अगर हमको कोई टेक्स्ट अगर लिखना है यहाँ पे तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे माउंटेन लिखा, और ये माउंटेन का कलर अगर हमको अलग कलर चाहिए तो अलग कलर में हम लोग दे सकते हैं। और जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक चीज ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लेते ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस, दो ऑप्शंस खुल के आया, यहाँ पे फॉन्ट एंड बैकग्राउंड, ये नया ऑप्शन खुल के आया। अब फॉन्ट क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। फॉन्ट इज एन राइटिंग स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो फॉन्ट होता है। वो मे भी आपका इंग्लिश हो सकता है, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली, कोई भी भाषा हो सकता है। तो यहाँ पे फॉन्ट है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट दिया है, स्टाइलिश फॉन्ट, आपको जो भी फॉन्ट सुटेबल लगता है उस फॉन्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हो, तो वो हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मैंने ये ब्लडर आईटीसी दिया था, लेकिन चलिए मैं चेंज करता हूँ, कुछ अच्छा बोल्ड फॉन्ट लेता हूँ जो कि विजिबल अच्छा हो, तो इस फॉन्ट को मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज है कि फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट यहाँ पे है, डेट इज इन 22 एमएस पेंट पे जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो 22 होता है, और इसका जो मिनिमम होता है 8 होता है, और मैक्सिमम जो होता है 72 होता है। बट अबव 72 और लेस देन 8 साइज ऑफ फॉन्ट, उसको हमको मैनुअली देने से आ जाएगा। जैसे कि सपोज मैं इसको अभी इसको 80 दे देता हूँ, 80 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे 80 फॉन्ट साइज आ चुका है। तो इस तरीका से हम यहाँ पे टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में फिर यहाँ पे जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फंक्शन पहले से एक्टिव है, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव था। इसको मैं अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूँ, इटैलिक को रिमूव कर देता हूँ, और बोल्ड को मैं रहने देता हूँ, ये है। और यहाँ पे जो है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया गया है। स्ट्राइक थ्रो मीन्स कभी कहीं पे कोई गलत हो जाए
तो आप उसको स्ट्राइक थ्रो करने से इस तरीका से लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ओपेक होना चाहिए। अगर ओपेक है और बैकग्राउंड कलर नंबर वन जो होता है वो नंबर वन फोरग्राउंड कलर होता है और नंबर टू कलर जो होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है। तो अगर हम बैकग्राउंड कलर में कुछ भी नंबर टू कलर में सिलेक्ट करते वो जो है इस टेक्स्ट का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। चलिए इसको मैं रेड ले लेता हूँ, तो इस तरीका से आपका विजिबल यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीका से हम यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन पे काम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करके भी काम कर सकते हैं, ओपेक करके भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिर होम टैब में हम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिए हैं, अभी इरेजर का फंक्शन हम लोग ने देख लिया, और मैग्निफाइंग का यहाँ पे फंक्शन देखने के लिए क्या है कि सपोज हमको यहाँ पे जैसे कि मैग्निफाइंग क्या है, कोई भी जगह पे अगर हमने कोई शेप लिया, कोई एक शेप लिया, अगर उसका लीकेज है और हमें दिख नहीं रहा या कुछ विजिबल क्लियर नहीं हो रहा है, माइनर माइनर लीकेज है और वो दिख नहीं रहा है हमें, तो और अगर मैं यहाँ पे कलर अभी प्रेस करता हूँ तो ये जो है पूरा पूरा लीक हो गया। इसको अभी हमको बैक स्टेप जाने के लिए कंट्रोल जेड करना है, जिसको अंडू फंक्शन बोलते हैं, और रीडू फंक्शन जो होता है कंट्रोल वाई, यानी कि उसको आगे की ओर और जाने के लिए रीडू एंड अंडू, इसको आप ध्यान रखना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना आप। तो इस तरीका से इसको अभी विजिबल देखने के लिए हमको क्या मैग्निफाइंग कर लेंगे लेफ्ट क्लिक लेके, तो ये हमें विजिबल है। अब पेंसिल से मैं इसको चाहो तो मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे कलर फिल करते हैं, तो जो भी कलर फिल करेंगे वो कलर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो कलर फिल कर लिया मैंने, तो इस तरीका से हम यहाँ पे अभी जो जूम आउट करने का है तो राइट क्लिक लेने से जूम आउट हो जाएगा, या तो यहाँ से भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे है, ये स्टेटस बार, इसको पूरा का पूरा को स्टेटस बार बोला जाता है। अभी तक जो साइज है पिक्चर का वो दिखाएगा, डायमेंशंस को यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे जूम का ऑप्शंस भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीका से हम ये टूल बॉक्स यूज करके यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस है, जिस ब्रशेस को किस तरीका से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वन बाय वन। जैसे ये जो है एयर ब्रश है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश है, वन बाय वन ब्रश, सिंपल ब्रश जो है, उसके बाद कैलीग्राफी ब्रश वन, कैलीग्राफी ब्रश टू, उसके बाद आपका एयर ब्रश है, उसके बाद वायल ब्रश है, कैरोन्स है, उसके बाद आपका मार्कर है, इस तरीका से नेचुरल पेंसिल है, और ये सारा चीज हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एयर ब्रश ले रहा हूँ माउंटेन पे स्प्रे करने के लिए। अभी देखिए इसका जो एरिया है बहुत कम हो रहा है, इसको एरिया को इंक्रीज करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस प्रेस करने से यहाँ पे ये एरिया जो है स्प्रेड हो गया। इस तरीका से हम इसको एयर ब्रश से हम इसको दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग ने यहाँ पे पेंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखना जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस है जो आप यूज करके इस्तेमाल करके आप खुद देख लेना इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं शेप्स में, जो यहाँ पे शेप्स दिया हुआ है। तो चलिए इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो बैकग्राउंड कलर है वो भी क्या है ग्रीन होके है, इसलिए अब फिर से मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब हमारा बैकग्राउंड व्हाइट हो चुका है, और ये जो ड्राइंग कैनवास एरिया है, ड्राइंग कैनवास एरिया को मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है लाइन, सबसे पहले लाइन आता है। लाइन लेने के लिए हम सिंपली माउस क्लिक करके ए टू बी पॉइंट हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हमको एकदम 90 डिग्री पे चाहिए और हम कर नहीं पा रहे, तो हमको क्या करना है, साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेना है, तो वो एक एंगल पे ही आएगा, वो एक एंगल पे ही आपका मूव होके रहेगा लाइन। उसका जैसे कि मैं छोड़ दूंगा, सॉरी ये मूव हो गया, तो लाइन को अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो इस तरीका से ये स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए आप शिफ्ट यूज करो। उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कर्व लाइन से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। चलिए इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद कर्व लाइन से जो है, सपोज आप ले लो, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं एक मैंगो बनाने का ट्राई करता हूँ।
कर्व लाइन यूज करके इंस्टेंटली फास्ट वे में उसके बाद यहाँ पे लिप्स भी जो है मैं कर्व लाइन से बना दूंगा। चलिए रोटेशन का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रोटेशन के तौर पे यूज करके रोटेशन यूज किया और इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। और कलर टू जो है राइट क्लिक काम करेगा, ये लेफ्ट क्लिक काम करेगा। राइट क्लिक मैं दूं तो यहाँ पे इस तरीका से फंक्शन पे आ जाएगा। उसके बाद ये कलर वन, सॉरी ये कहीं पे लीकेज था लगता है। अब देखिए मैग्निफायर को हमको चेक करना पड़ेगा, मैग्निफायर से कहीं पे लीकेज है कि कहाँ पे क्या है। तो ऊपर ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लीकेज है, इसको हमको अभी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको फिर से कलर पुट करता हूँ, तो मैं कलर इसको पुट कर दिया। तो इस तरीका से हम यहाँ पे, और मैग्निफायर को मैं स्मॉल कर लेता हूँ, तो इस तरीका से एक मैंगो मैंने अभी बना लिया। उसका ओवल शेप यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि हम ओवल शेप बना सकते हैं, जिससे हम सर्किल बना सकते हैं, और जिससे हम इलिप्स बना सकते हैं। ये तीन यहाँ पे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, तो रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल दिया गया है, तो ये डिजाइन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल ए करके, डिलीट करके मैं क्लियर कर लिया स्क्रीन को। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका पॉलीगॉन दिया हुआ है, ट्रायंगल है, अदर्स बहुत सारा शेप्स दिया हुआ है, जो एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद कुछ मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन एंड फिल कलर दिया हुआ है। तो आउटलाइन अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँ तो आपको विजिबल होगा, क्लियर होगा कि आउटलाइन जो है वो कैसा होना चाहिए। नो आउटलाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, क्रेवेंस होना चाहिए, आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है न्यू ऑप्शन है, विंडोज 10 में आया है, फिल्टी टिप्स, वायली आपका है, नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है, इस तरीका से डिफरेंट आप आउटलाइंस में यूज कर सकते हो। फिल कलर में भी इस तरीका से क्रायन या आप यूज कर सकते हो। उसके लिए कलर टू में कुछ एक कलर ले लेता हूँ, फिर आप उसको देख सकते हो। इस तरीका से क्रायन में इस तरीका से आएगा, फिल्ट में आएगा, वायल में आएगा, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, तो इस तरीका से डिफरेंट हम यूज कर सकते हो। और इसका जो है जैसे कि साइज जो है आपका आउटलाइन का, वो साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और इससे ज्यादा और कम चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस का या कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल करें शॉर्टकट की से। और ये जो है आपका कलर बॉक्स है, जो कलर बॉक्स में यहाँ पे टू लाइन कलर्स तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, और कलर वन जो है आपका फोरग्राउंड कलर है, और कलर टू जो होगा वो बैकग्राउंड कलर होगा। इसके अलावा कोई भी कलर आपको एडिट करना है तो आप एडिटिंग पे जाइए, और उसको कहीं पे भी कोई भी कलर अगर आपको चाहिए जो आपको अवेलेबल नहीं है, तो वो कलर जैसे कि ये कलर अभी अवेलेबल नहीं है, अगर आपका उसका कोड मालूम है RGB कोड रेड ग्रीन ब्लू का, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अदर देन नहीं तो यहाँ से सिलेक्शन भी करके ऐड टू कस्टम कलर कर सकते हैं, और उसको ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये कलर ऐड हो चुका है लाइट ग्रीन। तो इस तरीका से आप कलर भी एडिट कर सकते हो इसके माध्यम से। और अभी अगर मान लीजिए कि फिल कलर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, चूंकि ये कलर यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी ये कलर को हमने लाइट ग्रीन को यहाँ पे लेके आ गए, इस तरीका से यूज होगा। और जो एडिट विथ पेंट 3D ऑप्शन है, इसके बारे में हम 3D पेंट पे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग जाएंगे वो जो है आपका व्यू टैब में हम जाएंगे। और व्यू टैब में जैसे कि ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया जूम इन और जूम आउट, जो कि यहाँ पे भी हमें दिया गया था, जूम मैग्नीफायर के तौर पे हम जूम इन जूम आउट कर सकते थे, और प्लस 100% का 100% करने से कितना होगा, तो 100% आ जाएगा जूम आउट कर लिए। उसका ये जो है यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से 100% कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है रूलर दिया हुआ, रूलर मीन्स क्या, जनरली इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस R है, और सिर्फ MS पेंट में ये हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस R एज ए रूलर को ओपन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आपका रूलर ओपन हो जाएगा, जो कॉमनली हम लोग स्केल भी बोलते हैं, तो रूलर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ग्रिड लाइंस जो है, ग्रिड लाइंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल प्लस G आपको प्रेस कर कीबोर्ड पे प्रेस करना है, आइदर यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे। तो जैसे ग्राफ पेपर में ग्रिड लाइंस बना होता है, उसी तरीका से ग्रिड लाइंस आ जाएगा, जिससे कि आप ड्रॉ करने में बहुत आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी इस पिक्चर को हमको मूव करना है,
चलिए इसको अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक लेके, और फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब जो है इसको हमको इक्वली लाइन लेंथ पे डालना है। तो उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे इसको मैं काउंट करके बॉक्स को और इसका लाइन को मिला के मैं प्रेस कर। इस तरीका से हम कलर बॉक्स ग्रिड लाइंस व्यू में यूज कर सकते हैं। और ये जो स्टेटस बार है जो नीचे शो कर रहा है, अगर इसको हमको देखना है तो स्टेटस बार पे हम देख सकते हैं, अदर नहीं तो इसको रिमूव करना है तो नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे आप इस जगह पे नोटिस कीजिएगा कि स्टेटस बार जो है गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अगर इसको फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे पेंट में हमने सारा एप्लीकेशंस को देखा, और यहाँ पे जितने भी टूल्स यहाँ पे दिया गया था, जितना भी ग्रुप्स पे ग्रुप होम में क्लिपबोर्ड इमेज टूल्स शेप्स कलर्स को दिया गया, वो हमने यहाँ पे व्यू किया, और जूम और शो हाइट एंड डिस्प्ले को हमने यहाँ पे व्यू किया। हमने यहाँ पे पेंट के बारे में प्रॉपरली जाना समझा। और कुछ मैं आगे जो नेक्स्ट पार्ट में पेंट का ऊपर लेकर आऊंगा, जहां पे आपको एमएस पेंट ही यूज करके आप कैसे पासपोर्ट फोटो प्रिंट कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को आप कैसे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ड्रॉइंग को आप कैसे बना सकते हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।